स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और SHE जिसकी एब्रिवेशन है. आज हमने ये टॉपिक स्टार्ट करना है. इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन देखी थी. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है किसी भी एक हाफ सेल के अंदर अगर आप एक इलेक्ट्रोड डालते हो और अगर उसी इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है उसी मटेरियल का आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है वन मोलर सॉल्यूशन. लेट से आपने अगर यहाँ पे मेटल ए यूज़ किया था तो यहाँ पे अगर आपने ए का कोई भी कंपाउंड लेके उसका वन मोलर सॉल्यूशन ले लिया है तो यहाँ पे सॉल्यूशन में बहुत सारे ए प्लस आइंस होंगे. फिर हमने ये देखा था कि साइमल्टेनियसली दो प्रोसेसेस चल रहे होंगे. ए जो है वो ऑक्सीडाइज होके ए प्लस में चेंज हो रहा होगा और साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा एंड एट द सेम टाइम ए प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके ये जो ए प्लस सॉल्यूशन के अंदर है वो ए में चेंज हो रहे होंगे. ठीक है. और जब एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ज़्यादा अकर हो रहा है और या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा डिपेंडिंग अगर रिडक्शन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा अकर कर रहा है. ठीक है. तो इस प्लेट के ऊपर यू कैन आइदर हैव अ पॉजिटिव और यू कैन हैव अ नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ विच अ पोटेंशियल वुड अपीयर ऑन द प्लेट जिस पोटेंशियल को हम लोग फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं. स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर जब इसको मेजर किया जाता है तो वी कॉल इट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. आज जो हमारा लेक्चर है हमने इसमें यह देखना है कि क्वांटिटेटिवली किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यूज मेजर कर सकते हैं दो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स की. मैं थोड़ा सा भी आपके बैकग्राउंड को टच करूंगा. फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ऑफ यू वुड अंडरस्टैंड कि हम पोटेंशियल किस चीज को कहते हैं. व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल आपको कुछ याद पड़ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग पढ़ते हो इन फिजिक्स. पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी. ठीक है. इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा एंड द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल, इसको इसके पोटेंशियल को हम वी ए कह देते हैं, इसके पोटेंशियल को वी बी कह देते हैं. द डिफरेंस इन पोटेंशियल इज वी बी ए एंड इसको हम फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इट इज बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स. जबकि पोटेंशियल जो होता है, जो टर्म पोटेंशियल है, ये कोई दो पॉइंट्स के दरमियान नहीं होती, ये किसी एक पॉइंट की होती है. फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे कोई ना कोई पोटेंशियल है, सिमिलरली पॉइंट बी के ऊपर कोई ना कोई पोटेंशियल है. अब बाय पोटेंशियल बाय डेफिनेशन हम कहते किस चीज़ को है ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है. मे बी अगर आपने अभी पार्ट वन में नहीं पढ़ा तो आप पार्ट टू के अंदर फिजिक्स में पढ़ोगे कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द अमाउंट of work done to bring a unit positive charge. Unit positive charge क्या होता है? It is plus one coulombs. आपने एक unit positive charge के ऊपर जितना काम किया to bring it from infinity to that point. मैं भी इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूं. फॉर एग्जाम्पल यहां पे यूं कर देते हैं. यू हैव अ बिग चार्ज प्लस क्यू हियर, राइट? इस बिग चार्ज की वजह से क्या होगा? इट विल हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड एनी चार्ज जहां पे अगर कोई और चार्ज आप रखो तो उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाती है. ठीक है. इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. जिस तरह एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है. ग्रेविटेशनल फील्ड मास की वजह से होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से होती है. ठीक है. सो दिस इज अ बिग चार्ज प्लस क्यू बिकॉज ऑफ विच देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये हमेशा बाहर की तरफ निकल रही होती हैं फॉर अ पॉजिटिव चार्ज. ये भी आप पार्ट टू के अंदर भी पढ़ लोगे इन फिजिक्स. नाउ दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग व्हाट? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ये बता रही हैं कि अगर आप किसी भी जगह पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी. ठीक है. एंड दैट फोर्स
will be equal to electric field intensity times discharge, right? And the direction electric field intensity is actually outwards. So agar aap yahan pe koi charge rakh doge positive, to wo bahar ki taraf jayega in the direction of these electric field lines. Electric field lines ki direction mein wo jana shuru ho jayega. Theek hai? Let's say aapko ye wala formula bhi abhi nahi pata, to I'll try to simplify things for you. हम क्वालिटेटिव वे के अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल क्यू, और आपने इसकी विसिनिटी में, विसिनिटी मतलब इसके करीब करके आपने एक स्मॉल पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया. होगा क्या? डेफिनेटली ये सेम चार्जेस हैं तो ये रिपेल करेंगे. तो अब ये बड़ा वाला तो मूव नहीं करेगा ना, वो तो बहुत बड़ा है, वो दैट विल स्टे इन इट्स ओन प्लेस. जो स्मॉल क्यू चार्ज विल स्टार्ट मूविंग, यहाँ पे आके रुक जाएगा क्या? ये पॉइंट ए पे था पहले, ये क्या पॉइंट बी पे आके रुक जाएगा? नो, पॉइंट बी पे आके भी नहीं रुकेगा, इट विल कीप गोइंग. क्योंकि और ये कब तक जाता रहेगा, व्हाट डू यू थिंक? पॉइंट सी पे आके रुक जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये कहीं पे भी हो फोर्स तो लग रही होगी, क्योंकि फोर्स तो कूलम्स फोर्सेस पे लग रही है. एंड कूलम्स फोर्स आपने पढ़ा, इट इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. दिस अ कॉन्स्टेंट ओवर हियर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट in vacuum, right? So this is the force is inversely proportional to radius, and radius aapka kuch na kuch to har time hoga na. The radius, this radius is the distance between these two. This distance is always some finite value. Jab tak ye ek limit ke andar rahega ye faasla, फोर्स कुछ ना कुछ लगती रहेगी, कम होगी लेकिन लगती रहेगी. और ये कब जाके चार्ज रुकेगा? फाइनली ये चार्ज तब रुकेगा जब ये इन्फिनेट डिस्टेंस तक पहुंच चुका होगा. इन्फिनेट का मतलब होगा कि ये स्पेस से भी बाहर अगर चला जाए, यानी व्हेन इट विल रीच मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे, अवे सॉलिड सिस्टम से भी बाहर निकल जाएगा, तब जाके इस चार्ज का ना इसके ऊपर अफेक्ट आप कह लो कि एक्चुअली तो तब भी नहीं खत्म होगा, क्योंकि जब तक ये फाइनाइट डिस्टेंस है कोई ना कोई फोर्स निकलती रहेगी. ठीक है? अच्छा, अब होता यह है कि एक्चुअली इस चार्ज की कोशिश है कि ये यहां से दूर जाए, कम बैक एट पॉइंट ए. पॉइंट ए से हमने शुरू किया था ना इस चार्ज की स्टोरी को. एक्चुअली इस चार्ज की कोशिश है कि ये यहां से दूर जाए. अगर आप इस चार्ज को अपनी प्लेस पे होल्ड करके रखो, होल्ड इट इन इट्स प्लेस, यानी इसको पकड़ के रखो, इसको जाने ना दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी जिसकी वजह से वर्क होगा. या इन शॉर्ट आप ये कह लो कि जब ये चार्ज क्यू यहां से मूव करके बाहर तक गया था इंफिनिटी तक, तो इसने कुछ वर्क डन किया था ना. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी लगातार इस पे फोर्स भी लग रही थी, फोर्स तो कूलम्स फोर्स थी, और डिस्टेंस जो है वो स्मॉल इंटरवल्स के अंदर ये कवर करता जा रहा था. तो फोर्स इनटू डिस्टेंस इज वर्क डन. तो ये जो टोटल वर्क डन है, अगर आप इसको चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दो, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू, तो ये पोटेंशियल आ जाएगा पॉइंट ए का. एग्रीड? सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन दिस वे. हम फिजिक्स के अंदर भी कभी भी एक पॉइंट के पोटेंशियल की बात नहीं करते, हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, वी ए माइनस वी बी. इसको मेजर किया जा सकता है, वी ए को मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें हम एक्चुअली एक चार्ज को मूव करके इंफिनिटी तक लेके जाएं. अब प्लेट्स पे वापस आ जाओ. हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बात की थी कि प्लेट के ऊपर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है? कंसिडर दीज प्लेट्स एज, जिस तरह नीचे ये मैंने केस लिया था, एक बहुत बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज था. अब होगा क्या? इफ यू पुट अनदर चार्ज प्लस क्यू इन इट्स विसिनिटी, तो वो दूर जाने की कोशिश करेगा. एंड इफ यू होल्ड इट इन इट्स प्लेस, यू विल हैव टू डू वर्क, और ये उतना ही वर्क होगा जितना आपको वैसे रिक्वायर्ड है. वंस दिस चार्ज मूव्स टू इंफिनिटी, वंस यू डिवाइड दैट वर्क विद द चार्ज, द वर्क इज बेसिकली एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट चार्ज विल गिव यू द वोल्ट या पोटेंशियल ऑन दिस प्लेट. बट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डिटर्मिन दिस अमाउंट ऑफ वर्क विच विल बी डन in order to bring it from infinity to this point, or if this point goes from this point to infinity, if this charge goes. So potential, iska matlab hua ki ek plate ka nahi nikala ja sakta,
जिसकी वजह से हमने एक नया मेथड बनाया जिसमें हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया है। स्टैंडर्ड डिफाइन करने की वजह क्यों बनी है, उसकी वजह मैंने ऊपर एक आपको समझा दिया कि हम लोग डायरेक्ट पोटेंशियल मेजर कर नहीं सकते, ठीक है। पोटेंशियल इज सिंस इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज और वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, राइट। एक और चीज ये कि स्टैंडर्ड वैसे भी हमें डिफाइन करना ही पड़ना था। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप अभी आज के दौर में पैदा नहीं हुए, आप 30,000 BC में आप पैदा हुए हो, ठीक है, यानी ये तकरीबन आज से 32,000 years पीछे की मैं बात कर रहा हूँ। और आपसे अगर कोई बंदा पूछे कि जनाब आप बताएं व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वायर, व्हाट वुड यू से, क्या कहेंगे आप? ये देख के आपको कितनी लग रही है वैसे, लुक्स लाइक 2 centimeters, 3 centimeters, तो क्या आपके 3 centimeters का हो गए? वही सेंटी तो वर्ड ही नहीं बना था उस वक्त, सेंटी तो जो वर्ड है ये लेट जो अभी एरा है इसके अंदर डिफाइन हुआ है, बिकॉज ये नॉर्मल आई गेस ये इंग्लिश का वर्ड है सेंटी, ये तो उस वक्त था ही नहीं। और जो मीटर है इट इज़ अ स्टैंडर्ड, 1 meter का जो स्टैंडर्ड है आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि 1 meter स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइन ही कोई 1900 समथिंग में हुआ है, जो सिस्टम इंटरनेशनल के बाद ने डिफाइन किया है, तो उस वक्त ये चीज़ तो आपको पता ही नहीं थी। अब बताओ आप इसको किस तरह डिफाइन करोगे कि ये लेंथ कितनी है, 3 feet? अब फुट भी जो है ये वर्ड भी पता नहीं कब डिफाइन हुआ था, और पता नहीं ये किस चीज़ को फुट कहा जाता था पहले। गालिबन जो फुट की डेरिवेशन है ये तो एक्चुअल जो आपके फीट होते हैं, जो आपके पाँव होते हैं, ये उससे है, यानी एक पाँव की जो एक्चुअल लेंथ है उसके बराबर कह दिया जाता था एक फुट को। लेट से उस वक्त फुट भी नहीं पता लोगों को कि फुट क्या होता है, इसका मतलब है आप चीज़ की लेंथ बता ही नहीं सकते अगर आपको ये नहीं पता कि आपने किन यूनिट्स के अंदर बताना है, ठीक है। तो पहले आपको यूनिट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, और यूनिट्स भी ये नहीं कि सारे यूनिट्स अलग हो, मसलन मैं मीटर इतनी लेंथ को कह रहा हूँ और यूएस के अंदर मीटर इतनी लेंथ को कहा जा रहा है और रशिया के अंदर मीटर इतनी लेंथ को कहा जा रहा है, यूनिट सेम रखना है आपने, ठीक है। तो आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन करना होता है और फिर उसके टर्म्स में आप बाकियों की वैल्यू मेजर करते हो। आपको याद होगा आप 1 mole की डेफिनेशन 9th class में मैट्रिक में जब पढ़ते आ रहे हो तो उसमें आप क्या पढ़ते हो 1 mole की डेफिनेशन, सॉरी 1 mole मैंने कह दिया, आप जब मास मेजर करते हो 1 amu एटॉमिक मास यूनिट्स के अंदर, तो हाउ डू यू मेजर इट्स वैल्यू, यू कंपेयर इट बाय 1/12th ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, और इसको हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया है और बाकी चीज एटम्स का जो मास है वो कंपेयर टू दिस मेजर किया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के लिए एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कर दिया है डिटरमिन, जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE बोलते हैं। This is a beautiful description of the standard hydrogen electrode, और हम इसको use करेंगे for understanding. Standard hydrogen electrode में हम क्या करते हैं कि we put a platinum wire, ये आपको PT wire नज़र आ रहा है, this is a platinum wire, and ये platinum wire ये किस चीज़ को कह रहा है, ये जो बारीक सी बीच में धारी नज़र आ रही है आपको, ये चीज़ है, this is a platinum wire, और इसके नीचे अगर आप देखो platinum electrode is this small plate जो प्लेटिनम से बनी हुई है, ठीक है, जिसका उसने मटेरियल को जूम इन करके भी यहाँ पे दिखाया हुआ है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को अभी हम बाद में देखते हैं। आप ये देखो सॉल्यूशन के अंदर इसने क्या यूज किया हुआ है, 1 molar H+, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा था कि आप नॉर्मली ये करते हो कि जिस मटीरियल का आप इलेक्ट्रोड लेते हो उसी मटीरियल का आप 1 molar सॉल्यूशन ले लेते हो, ठीक है। बट इन दिस केस इसने क्या किया कि इसने इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का यूज किया लेकिन जो सॉल्यूशन लिया वो 1 molar H+ सॉल्यूशन लिया। नॉर्मली हम 1 molar HCl ले लेते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि HCl हो, आप कोई और भी कंपाउंड यू ले सकते हो। तो आपने 1 molar H+ आइंस बीच में जनरेट कराने होते हैं। अगेन इसका मतलब ये होगा कि आपने 1 mole लेना है HCl का और उसको डिजोल्व करना है 1 decimeter cube वाटर के अंदर, और उस सोल्यूशन को आपने लिया हुआ है।
अब इस सॉल्यूशन के अंदर आपने इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है, ये जो आपको ये बाउंड्री नजर आ रही है, दिस इज अ ग्लास ट्यूब, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो है ये सारा कुछ रिएक्शन हो रहा है। अब इस रिएक्शन में होता यह है कि चूंकि आपके पास H प्लस आइंस हैं इन द सॉल्यूशन, दोस H प्लस आइंस विल टेक अप वन इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू H, और एक्चुअली अगर दो H प्लस हों और दो इलेक्ट्रॉन्स लें तो वो H2 के अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो ये आपको कुछ बबल्स नजर आ रहे हैं, दीज बबल्स, दीज आर एक्चुअली दोज हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स जो एवेपरेट होते जा रहे हैं, एवेपरेट तो नहीं, एस्केप कर रहे हैं, बीच में से ये बाहर निकलते जा रहे हैं, ठीक है। वंस हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड तो ये बबल्स की फॉर्म में एस्केप आउट कर जाती है, बाहर निकल जाती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने रेडॉक्स रिएक्शन मेंटेन्ड रखना है, रेडॉक्स रिएक्शन आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप इलेक्ट्रोड को डिप करते हो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे होते हैं और साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं हो रहा होता कि सिर्फ रिडक्शन हो रहा हो। तो अगर 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज चेंजिंग इनटू H2, एट द सेम टाइम कुछ हाइड्रोजन जो है वो चेंज हो रही होगी 2H प्लस में और दो इलेक्ट्रॉन्स में, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज भी हो रही होगी। ये तो भी आपने रिडक्शन का रिएक्शन पढ़ा ना, ये जो रिएक्शन ने लिखा है दिस इज रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी, अब ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन तो सॉरी हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकलगी ना, आपको एक्स्ट्रा हाइड्रोजन गैस यहां से सप्लाई करनी पड़ती है। लुक ओवर हियर, ये जो इसने लिखा हुआ है, H2 गैस एट 1 atm प्रेशर, 1 atm इज 1 atmosphere प्रेशर इक्वल्स टू 101325 pascals, यहां से आपको हाइड्रोजन गैस अंदर पंप इन करनी पड़ेगी ताकि उस हाइड्रोजन की कमी पूरी हो जाए जो यहां से बबल्स की फॉर्म में एस्केप कर गई है। इसका मतलब यह हुआ आप ये चाह रहे हो कि हाइड्रोजन गैस इक्विलिब्रियम में रहे H प्लस आइंस के साथ, H प्लस आइंस तो वैसे भी कम नहीं हो रहे ना, अंदर ही पड़े हुए हैं सारे, H प्लस आइंस सॉल्यूशन के अंदर ही हैं। आप ये चाह रहे हो कि हाइड्रोजन जो कम हो रही थी ना, वो जो बबल से बाहर निकल गई है बबल्स की फॉर्म में, वो वापस आप पंप इन करते रहो ताकि आपको एक्चुअली पता चल जाए के चार्ज कितना आता है। एग्रीड। या आप अगर जूम इन करके यहां पे देखो तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये एक H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दो एटम्स इसने साथ साथ जोड़े हुए हैं, H2 मॉलिक्यूल प्लेटिनम से ये दो इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, एंड आफ्टर टेकिंग अप दीज टू इलेक्ट्रॉन्स H2 व्हेन टेक्स अप टू इलेक्ट्रॉन्स व्हाट डज इट डू No, H2 can not actually take up electrons. Oh, H2 electrons ये ले नहीं रहा बल्कि ये दे रहा है। H2 is actually changing, ये जो यहां पर मैंने लिखा था, H2 is changing into 2H plus plus 2 electrons. So where do these H plus go? H plus solution के अंदर चले जाते हैं, और where do these electrons go? Electrons go inside this platinum electrode, और platinum पे negative charge आ जाएगा। Agreed? और नीचे अगर आप process देखो, ये इसका converse हो रहा है, यानी solution के अंदर जो H plus थे, they are taking up two electrons from the platinum surface and making hydrogen gas, जो मैंने पहले reaction लिखा था, ये वाला, and this hydrogen gas would actually go up in the form of bubbles, और फिर यहाँ से फिर नई hydrogen gas continuously अंदर आ रही है। ये इस वजह से आपने सोचा होगा कि ये glass tube क्यों लगाई हुई है इसने, ये glass tube जो है ये इस hydrogen को contain करने के लिए लगाई गई है जो बाहर से अंदर pump in की जा रही है। Alright, this was a brief description of what a standard hydrogen electrode looks like. अब इसका काम क्या होता है, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हम लोगों ने जो प्लेटिनम यूज किया है, इट इज इनर्ट एक्चुअली। इफ यू लुक एट प्लेटिनम, प्लेटिनम के एटम्स जो हैं क्या ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं? नो। क्या रिडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं? नो। प्लेटिनम का फिर मकसद क्या है इस पूरे में? प्लेटिनम का मकसद है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कायम रखना। प्लेटिनम जो है सिंपली ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई कर रही है, यानी सिंपली स्पीकिंग प्लेटिनम एज अ कंडक्टर एक्ट कर रहा है, और प्लेटिनम का कोई काम नहीं है। वैसे जो इलेक्ट्रोड होता है ना, जो इससे पहले आप पढ़ते आ रहे हो,
ये जो आपने ऊपर वैसे पढ़ा हुआ है, इसमें तो इलेक्ट्रोड का कोई छोटा सा एटम पूरा टूट के सॉल्यूशन के अंदर आता है और उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो, आप उस कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीडेशन जो है वो बाहर से आप सप्लाई कर रहे हो हाइड्रोजन और उससे ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। बाहर से जो हाइड्रोजन गैस आप पंप इन कर रहे हो वो ऑक्सीडाइज हो रही है। वैसे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और उसका एक एटम टूट जाता है, सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है आयन की फॉर्म में और इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आता है। इस प्रेजेंट केस में भी इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज तो आएगा, बट एक्चुअली वो बाहर से जो हाइड्रोजन आप पंप इन कर रहे हो उसकी वजह से। सो प्लेटिनम इज जस्ट एज एन इनर्ट कंडक्टर ओवर हियर। SHE जो है इसके इलेक्ट्रोड को हमने आर्बिट्रेरिली डिफाइन कर दिया है कि हमने इसके इलेक्ट्रोड को जीरो बोलना है, और बाकी अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का आपने पोटेंशियल अगर निकालना है जीरो वोल्ट्स, एक्चुअली अगर बाकी किसी भी इलेक्ट्रोड का आपने पोटेंशियल निकालना है तो यू विल कंपेयर इट विद दिस जीरो वोल्ट्स टू सी के उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। और उसमें हम करते कैसे हैं, वी कनेक्ट टू इलेक्ट्रोड्स, टू हाफ सेल्स टुगेदर, जिनमें से एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा वो होता है जिसका आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है। एंड इस तरीके से हम एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशंस इसमें क्या इन्वॉल्व होती हैं विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर।